नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर से, दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सीएम योगी ने कहा कि साफ सफाई से हर बीमारी से बचा जा सकता है। गोरखपुर में हमने इंसेफ्लाइटिस से लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारे जनप्रतिनिधि के साथ गोरखपुर वासियों ने इस लड़ाई में बहुत साथ दिया है। साथ ही सीएम योगी ने मेधावी छात्रों से भी बात की। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में, जो प्रदेश के अंदर न केवल दिमागी बुखार से बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन सभी से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम जिसे हम वर्ष में 4 बार, हर तीसरे महीने में 1 बार उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आज कार्यक्रम फिर से अगले 3 महीनों का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 1 महीने तक व्यापक जागरूकता का अभियान होगा। रैलियां निकलेंगी, घर घर जाकर के आशा बहने एक एक परिवार के साथ दस्तक देंगे। ट्रेनिंग के कार्यक्रम, तो साफ सफाई से किस तरह से बीमारियों से लड़ा जा सकता है और किस तरह से गंदगी दूर करके अपने आसपास स्वच्छता बनाई जा सकती है, बीमारियों को दूर रखा जा सकता है, इन तमाम चीजों पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात रखी और विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और साथ ही साथ सीएम योगी ने कहा कि साफ सफाई से हर बीमारी से बचा जा सकता है। गोरखपुर में हमने इंसेफ्लाइटिस से लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारे जनप्रतिनिधि के साथ गोरखपुर वासियों ने भी इस लड़ाई में बहुत साथ दिया है। साथ ही सीएम योगी ने मेधावी छात्रों से बात भी करी है। मॉनसून आ गया है और ऐसे में बारिश के समय जब पानी एकत्र होता है, जगह जगह गंदगी होती है, उससे कई बीमारियां फैलती हैं और इसी को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए सीएम योगी ने आज इस अभियान की शुरुआत करी है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की आज से शुरुआत करी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके चलते लोगों को जागरूक भी किया जाएगा किस तरह से साफ सफाई रखी जाए अपने आसपास, गंदे बारिश के पानी को एकत्र ना होने दिया जाए, इन सबको लेके जागरूक किया जाएगा और जहां पे भी गंदगी होगी उन तमाम जगह पे स्वच्छता का अभियान चलाने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही साथ इस आदेश को भी दिया गया है कि जहां पे भी गंदगी है वहां पे सफाई कराई जाए और कहीं पे भी गंदगी का अंबार दिखेगा तो अधिकारियों की खैर नहीं होगी। साफ तौर पे सख्त लहजे में नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से संचारी रोग अभियान की, रोग नियंत्रण की और दस्तक अभियान की शुभारंभ करते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं, लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं और इससे पहले भी कई बार संचारी रोग नियंत्रण को लेकर अभियान चलाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है रोगों से बचने के लिए, गंदगी को दूर रखने के लिए और किस तरह से गंदगी को दूर रख के अपने आसपास साफ कर सफाई रख कर हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर से जनता को जागरूक किया है। और इस खबर में हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गोरखपुर में आज सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई इस अभियान को और क्या कुछ मंत्र देते हुए नजर आए हैं जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ? सीएम योगी जो है आज हरी झंडी दिखाए हैं और सबको बताया है ताकि पूरी तरह से जो इंसेफ्लाइटिस का काफी प्रकोप रहता है, इसके लिए हरी झंडी दिखा करके एम्बुलेंस को और जितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको यहाँ पे शुरू किया गया है। इसके अलावा भी कई लोकपाल पर कई योजनाओं से किया गया है, अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है ताकि पूरी तरह से इंसेफ्लाइटिस पे रोकथाम की जा सके और इसका उपचार किया जा सके। हिमांशु, संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की शुरुआत गोरखपुर से की गई है, अगर बात करें पहले की स्थिति की और अब की स्थिति की तो कितना सुधार हुआ है? पहले किस तरह का माहौल देखने को मिलता था मॉनसून में और अब क्या बदला है?
जी बिल्कुल बता दें कि पहले इतना भी कोशिश किया जाता, हालांकि पीएम योगी इस अभियान से काफी समय से जुड़े हैं, लंबे समय से जब वो सांसद हुआ करते सबसे जुड़े हुए हैं, और इस समय की बात कर रहे हैं तो बरसात का महीना आते आते ही इंसेफ्लाइटिस के जो है शिकार होने लगे थे बच्चे और दिमागी बुखार से उनकी मौत होने लगी थी। ऐसे में 80 से 90% तक इससे जो है रोकथाम किया जा चुका है और पूरी तरह से इसको कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह से इसको पूरी तरह से काबू किया जा सके। जी अगर बात करें मानसून में होने वाली बीमारियों की और खास तौर से जब गंदगी का अंबार लगा होता है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, तो कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जिनको लेकर जागरूक कर रही है सरकार? बिल्कुल बता दें कि बरसात का एक ऐसा महीना होता है कि हर जगह जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, नालों पे और सड़कों पे जो है रोड जो है पानी से ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस समय ब्लॉक होने से पानी भर जाता है और काफी रोग इससे पैदा होते हैं। तो जाहिर सी बात है, पूर्वांचल की एरिया की बात करें या बिहार के कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें जो है इंसेफ्लाइटिस का जो है प्रकोप शुरू हो जाता है, दिमागी बुखार जिसमें बच्चों को दिमागी पूरी तरह से ऐसा होता है कि काफी बच्चे इसमें मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती थी, और इससे जो है रोकथाम के लिए योगी सरकार जो है काफी पहल करके इससे रोकथाम की कोशिश कर रही है। उपचार के लिए डॉक्टरों को भी जागरूक कर दिया जा रहा है कि पूरी तरह से वो चाहे पीएससी हो, सीएससी हो या सदर हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज है, इसमें जो है पूरी तरह से लगे रहे। और ये गोरखपुर के साथ लखनऊ के टीएमसी की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भी एक ऐसा स्रोत है जहाँ पे पूरी तरह से इंसेफ्लाइटिस के मरीज आते हैं और उनका जो है इलाज किया जाता है, विषाणु केंद्र भी यहाँ रखा गया है जिससे जांच होती है। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्य जो है नाथ जो है इसके लिए काफी जागरूक रहे हैं, शुरू से इसके लिए लड़े हैं और उनका साफ कहना था आज कि इसके लिए हम और हमारी जो टीम है, रवि किसान जो सांसद है वो उस समय नहीं हुआ करते थे, तो उनको साफ उन्होंने कहा कि इनको छोड़कर बाकी हमारी जितनी भी टीम है वो शुरू से इसके लिए सड़क पर उतरी है और लड़ी है। और मोदी के आने के बाद की जो है मोदी सरकार के और इस पर जो है काबू करने की कोशिश की गई है और काफी सहायता दी गई है गोरखपुर को, और जाहिर सी बात है इससे जो इंसेफ्लाइटिस से काफी रोक मिला है। जी हिमांशु, सीएम ने स्वच्छता कर्मचारी और अधिकारियों साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को इस मॉनसून के सीजन में किस तरह के क्या कुछ निर्देश दिए अभी तक? जी बिल्कुल, नालों की सफाई के लिए दिया गया था, हालांकि पहली बारिश में ही गोरखपुर जो है जलमग्न हो गया, पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं थी वो फेल हो चुकी थी, और बिजली विभाग की बात करते तो बिजली भी यहाँ कट रही थी। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की जमीन से जुड़े हुए हैं और गोरखपुर से उनका मत है, गोरखपुर सीएम सिटी है, तो ऐसे में उन्होंने इस पे जो है तुरंत एक्शन लिया। यहाँ काफी देर तक उन्होंने बैठक भी की है, यहाँ एमबीसी में जो है पूरी तरह से उन्होंने पूरी तरह से सर्किट हाउस में बैठक की हुई थी एनएफसी भवन के अंदर, और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है क्योंकि जल जमाव नहीं होना चाहिए। पहले से निर्देश दिया गया था कि पूरी तरह से नालों की और नालियों की सफाई की जाए, मोहल्लों की सफाई की जाए ताकि पानी का निकासी होता रहे और किसी तरह से भी जो है गंदगी और बारिश का पानी से किसी तरह की समस्या ना पैदा हो, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस से इसका खतरा इसमें बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है इसमें बच्चों की जो है मासूम बच्चों की मौतें होती हैं और आलम यह हो जाता है कि पूरी तरह से एक एक बेड पे 3 से 4 बच्चों को रखना पड़ता है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आईसीयू की उनकी जरूरत पड़ती है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, कोई ना कोई उनको लक्षण मिल जाता है कि कोई अपाहिज हो जाता है, कोई अपंग हो जाता है, किसी की जो है मन बुद्धि हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो योगी आदित्यनाथ का साफ साफ निर्देश है कि पूरी तरह से इस पर जो है जागरूक हो जाए, जितना भी हो सके इससे किसी बच्चे को कोई भी बीमारी होती है, देर रात हो, दिन हो, कभी भी हो, वो तुरंत पीएससी पे ले जाए, पीएससी पे ले जाए, अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, किसी तरह की गंभीर समस्याएं आती है तो उनको सदर हॉस्पिटल ले जाए, अगर वहाँ भी नई समस्या का समाधान हो पाता है तो उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। जी हिमांशु, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षण को लेकर, बीमारियों को लेकर? जी बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज में आज जितनी भी आशाएं थी और डॉक्टर थे उन सबको बुलाया हुआ था, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे, सबको बुलाया हुआ था और सबको जो है बैठक किया, संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरीके से जो है आशाएं हैं वो लेके आती हैं मरीजों को, तो बच्चों को जो है खासा ध्यान रखना है उनको अपने अपने क्षेत्र में, कि कोई बच्चा अगर बीमार होता है किसी तरह से उसको बुखार आता है, चाहे वो किसी भी तरह का बुखार हो, उससे जो है जागरूक रहे और उसको तुरंत दिखाएं ताकि इसका जो है रोकथाम किया सके, इसका इलाज किया जा सके और जांच किया जा सके कि उसको कहीं से इंसेफ्लाइटिस तो नहीं है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस ही यहाँ का मेन मुद्दा रहा है और ये सबसे बड़ी बीमारी है जो पूर्वांचल के क्षेत्र की बात कर रहे हैं या बिहार का पूर्वांचल से सटा हुआ जितना भी एरिया है वहाँ पे सबसे बड़ी यही बीमारी है जो बच्चों के मौत के कारण बच्चा, ये बहुत बड़े स्तर पे इस पर बच्चों की मौत होती है। लेकिन योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में भी काफी हद तक जो है उससे काबू किया हुआ था और इसमें भी चाहती है कि इस बार भी जो है उस आंकड़े को जीरो किया जा सके।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। नूपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के चलते विवाद में आई नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत में नूपुर शर्मा की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोई राहत तो नहीं दी गई, बल्कि सख्त लहजे में टिप्पणियां करते हुए उनसे माफी मांगने को कहा गया है। तो नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जहां राहत की आस लगाई बैठी थी नूपुर शर्मा, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार मिली है। साथ ही साथ उनको माफी मांगने के लिए भी कहा गया है, सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया है, जहां बीजेपी की तरफ से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और उसके बाद वो लगातार चर्चा में बनी हुई है, पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरी हुई है नूपुर शर्मा। कुछ लोग उनके समर्थन में है, कुछ लोग उनके विरोध में है, लेकिन लगातार चर्चाओं में नूपुर शर्मा बनी हुई है और अलग अलग राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो राहत पाने के लिए, सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करवाने के लिए उन्होंने आस भरी नजरों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा था, लेकिन उन्हें फटकार के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है। विवादित टिप्पणी मामले में अलग अलग राज्यों में कई केस दर्ज है और सभी जगह उपस्थित हो पाना नूपुर शर्मा के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से वो सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करवाना चाहती थी, लेकिन अदालत में नूपुर शर्मा की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोई राहत नहीं दी गई है, बल्कि सख्त लहजे में टिप्पणियां करते हुए उनसे माफी मांगने को कहा गया है। क्योंकि लगातार नूपुर शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर देश में इस वक्त माहौल गर्म है। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से नूपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद उनके खिलाफ कई मामले दर्ज है, वो आस लगा रखी थी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको थोड़ी राहत मिलेगी और उनके मामले ट्रांसफर होकर दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन अब उनको फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, किस तरह से देखते हैं? देखिए, नूपुर शर्मा का बयान आया था, बयान के बाद जिस तरह से मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। सबसे पहले इस मामले की अगर बात करें तो कानपुर में आगजनी हुई, घटना हुई, पथराव हुआ, ये 3 जून की बात थी। उसके बाद 10 जून को भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पथराव हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद कई राज्यों में हिंसा फैली, यहाँ तक कि रांची में 2 लोगों की इस मामले में मृत्यु भी हो गई थी पुलिस की फायरिंग के चलते। तो निश्चित रूप से मामला लगातार गर्माता चला है। उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में बताया आपको कि जो भी जुमे की नमाज होती है वहाँ पर अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा रहता है कि फिर वार्षिक हर जुमे पर इस तरह का, क्योंकि 2 जुमे पर 3 जून को और 10 जून को बवाल हुआ था, इसके चलते 17 जून को भी एहतियात बरती गई थी, उसके 24 जून को भी एहतियात बरती गई थी, लगातार एहतियात ही बरती जा रही है। उसके बाद ये मामला थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ नजर आ रहा था, तो उसके बाद जिस तरह से उदयपुर में घटना हुई है, जहाँ पर 2 लोगों द्वारा, 2 मोहम्मद जब्बार अंसारी और गौस मोहम्मद के द्वारा, वहाँ पर एक दर्जी जो वहाँ काम करता था कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। उसके बाद वो हत्या के बाद जिस तरह मामला फिर उठाया है और फिर गरमाया है और लगातार इस मामले पर राजनीति भी हो रही है, हालांकि कार्रवाई हुई है, दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है, पर कहीं ना कहीं अब आम जनमानस में ये संदेश जा रहा है कि ये जो मामला है, ये जो पथराव हुआ है, जो हिंसा हुई है, जो आगजनी हुई है, उसका जो नृशंस हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी रूप से नूपुर शर्मा जिम्मेदार रखती हैं। और क्योंकि उन्होंने बयान लिया, तो उसके बाद से लगातार आगजनी हो रही, हिंसा हो रही। उसके बाद से जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी, उनके वकील के द्वारा उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग राज्यों में खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, अलग अलग राज्यों में, उन सारे मुकदमों का यहाँ दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहाँ जाने में समस्या भी हो सकती है, सुरक्षा की दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ये मांग की थी। पर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कांत द्वारा उनको कहा गया कि आपने ऐसा माहौल बनाया है, आपके बयान के चलते पूरे देश में इस समय हिंसा हो रही है, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, लोगों की हत्या हुई है, तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि आपको सार्वजनिक रूप से देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको, चूंकि आपने बयान टीवी पर दिया है, इसलिए आपको टीवी पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका
निष्कासन किया गया था 6 साल के लिए, पर उसके बावजूद यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाते हुए माफी मांगने को कहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। योगी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई में सीएम योगी के निर्देश की भी अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां अंबेडकर नगर में प्रशासन का बुलडोजर गरीब महिला की झोपड़ी पर चला दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि बुलडोजर झोपड़ी पर इसलिए चलाया गया क्योंकि वो जमीन तालाब की थी। वहीं अब पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। बता दें कि अहिरौली थाना क्षेत्र संग्रामपुर गांव का ये मामला है। चुके हैं राहुल, जिस तरह से गरीबों की झोपड़ी पे बुलडोजर चलाए, वो भी एक कच्ची तिनकों से बनी झोपड़ी पे, क्या कहेंगे, क्या हालत है अब इन गरीबों की? जी आपको ये बता दें, ये पूरा मामला संग्रामपुर का है जो कि अरौली थाना क्षेत्र में पड़ता है। रमावती जो कि पीड़िता है, जो कि 20 साल से लगभग तालाब के बगल में जमीन थी, 20 सालों से उस पर झुग्गी झोपड़ी रखकर 20 सालों से अपने जीवन यापन कर रही थी अपने परिवार समेत। और हालांकि इसमें जो पीड़ित ने बताया, बात हुई है, पीड़ित ने बताया है कि उसमें कुछ चुनावी रंजिश भी सामने निकल कर आ रही है, और क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व टीम द्वारा जो है इसको, इस झोपड़ी को गलत तरीके से गिरा दिया गया, ऐसा पीड़ित का कहना है। जी तो पीड़ितों की मांग क्या है, अब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो क्या उनको कुछ पैसे या फिर मदद दी गई है उनकी झोपड़ी को जमींदोज करने के बाद? क्या उनके लिए कोई दूसरा बसेरा आशियाना कुछ ढूंढ के दिया गया या वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं? जी आपको बता दें कि पीड़ित का यह भी कहना है कि जब जेसीबी से ढाया जा रहा था तो कोई ऐसा मौका भी नहीं दिया गया कि घर गृहस्थी का अगला सामान भी निकाल ले। और बरसात का मौसम है और छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और मजदूरी धस्तूरी करके उसके बाद कमाते हैं, खाते हैं। पीड़िता का यही मांग है कि हमको कहीं ना कहीं आवासीय पट्टा वगैरह दिया जाए, जो कि अभी अधिकारियों से हमारी इस संबंध को लेकर वार्ता भी करने की कोशिश की, हालांकि हो नहीं पाई है। और पीड़ित कहना है हमको कहीं ना कहीं आवासीय पट्टा वगैरह कुछ दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल पांडे जुड़े थे अंबेडकर नगर से। बहराइच के मिहपुरवा तहसील क्षेत्र में आबकारी विभाग ने एक्शन लिया है। आबकारी विभाग ने छापेमारी करते हुए लगभग 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि एसएसबी की 70वीं बटालियन के सहयोग से छापेमारी कर कैलाशपुरी बैराज के पास अवैध शराब को बरामद किया गया है, लेकिन शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। जनपद में इस समय विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो रात में मेरे द्वारा जो लखीमपुर खीरी से एक बैराज है, वहाँ पे गिरजापुरी बैराज, वहाँ से थाना सुजौली में अवैध शराब की सप्लाई लोग करते हैं, तो उसके लिए मेरे द्वारा एसएसबी के सहयोग से कल दमिश का कार्रवाई की गई है। तो जो बैराज से रेल की पटरी के सहारे ये लोग सुजौली क्षेत्र के गाँव में जाते हैं, वहाँ पर अवैध सप्लाई करते हैं, तो मेरे द्वारा वहाँ पर पकड़ा गया है। वहाँ लगभग 200 लीटर अवैध शराब कच्ची बरामद की गई है। उस अवैध शराब को उसमें यूरिया, नौसादर और ये पाउडर वगैरह मिला करके उसको बनाते हैं, तो वो शराब जहरीली भी हो सकती है, तो इसलिए उस पर हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया थाना सुजौली को अलर्ट करने के लिए। के खिलाफ एक्शन लिया आबकारी विभाग ने, 200 लीटर अवैध शराब बरामद करी है और उसे नष्ट कर दिया गया है। बहराइच से ये खबर सामने आई है, जहां आबकारी विभाग को बड़ी लापरवाही इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। बहराइच से खबर सामने आई है, जहां
बड़ी सफलता हाथ लगी आबकारी विभाग को। और इस खबर पे बहराइच से हमारे साथ संवाददाता उदय शंकर जुड़ चुके हैं। उदय, जिस तरह से अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई करी है, बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ जानकारी है? क्या अवैध तस्कर भी पकड़ में आए हैं या फिर फरार हो गए सभी? जी, आपको बता दें कि लखीमपुर से बहराइच जो मार्ग आता है उस पे एक बैराज पड़ता है, गिरजापुरी बैराज, जहां पर रेलवे पटरी के किनारे जो है आबकारी विभाग और एसएसबी की संयुक्त टीम ने जो है रात में छापेमारी की है। यहां से लगभग 200 लीटर शराब बरामद की है, लेकिन अभी तक जो है शराब तस्कर वो फरार होने में कामयाब रहे। जी, तो जो ये तस्कर थे वो कहां कहां पे तस्करी करते थे जहरीली शराब की, कोई जानकारी? ये जो शराब तस्कर है ये मोतीपुर और मूर्तिहा जो थाना क्षेत्र है इनके कई गांवों में जो है ये लोग शराब तस्करी करते हैं। हालांकि आबकारी विभाग इससे जो है 2 हफ्ते पहले भी यहीं पर जो है 100 लीटर शराब और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की थी, लेकिन यहाँ के आसपास के गांव जो है यहाँ पर जहरीली शराब जो है वो जोरों से बिक रहे हैं। जी, अब आबकारी विभाग का अगला कदम क्या होगा इस मामले के सामने आने के बाद? आबकारी विभाग जो है वो पूरी तरह से क्षेत्रों में जो है नजर बनाए हुए है, जहाँ पर ऐसे लोग हैं, जहाँ पर ऐसे शराब तस्कर हैं, वहां पर ये जो है निगरानी कर रहे हैं। अगर जो है इनको आबकारी विभाग को या जो है पुलिस प्रशासन को जानकारी मिलती है, लोग तुरंत छापेमारी करके वहां से गिरफ्तारी जो है करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता उदय शंकर मिश्रा जुड़े थे बहराइच से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।